अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, आप सभी का तेलंगाना क्राइम न्यूज में इस्तकबाल है। आज तौली चौक की गेट नंबर 3 पैरामाउंट कॉलोनी में फीफा गेम जोन और कैफेटेरिया का ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी किया गया, जिसमें AIMIM कारवान MLA जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब, वाकफ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्ला खान साहब, बहादुरपुरा इंचार्ज BRS पार्टी जनाब SA खैसर साहब, शेख पेट कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद राशिद फराज उद्दीन साहब, उपल इंचार्ज BRS पार्टी जनाब बदरुद्दीन साहब, नारी निकेतन प्रेसिडेंट सफिया मई ने फीफा गेम जोन के मालिक मोहम्मद अब्दुल फैसल, मोहम्मद अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्दुल इमरान के साथ मिलकर इनॉग्रेशन किया। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए देखते हैं मजीद तफसीलात तेलंगाना क्राइम न्यूज पे। आज जो है हमारी ओपनिंग हुई फीफा गेम जोन एंड कैफेटेरिया का, अलहमदिल्ला इफ्तिताह हो गया। जानिए हमारे कारवान MLA कौसर मोहिद्दीन साहब ने इफ्तिताह किया। अलहमदिल्ला बहुत खुशी हुई साहब की मौजूदगी थी यहाँ पर, और हमारे चेयरमैन बोर्ड मसीउल्ला साहब भी अलहमदिल्ला वो भी आए थे माशाल्लाह। उन्होंने और हमारे कौसर साहब ने दोनों मिल के इफ्तिताह किया, और खुसूसी हमारे मेहमान हमारे MLC साहब फारूक हुसैन साहब अलहमदिल्ला उन्होंने भी आए माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। हमारे TRS कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज MA कैसर साहब उन्होंने भी माशाल्लाह तशरीफ लेके आए, उनके भी यहाँ से इफ्तिताह अमल में आया। हमारे राजेंद्र नगर TRS पार्टी के लीडर मुर्तुजा साहब उनकी भी आमद हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे VIPs में जो है ख्वाजा मोहिद्दीन साहब, बदरुद्दीन साहब उन्होंने भी आए थे माशाल्लाह, उनके भी आज से जो है इफ्तिताह अमल में आया। हमारे किंग ग्रुप ऑफ चेयरमैन इरफान खान साहब भी उन्होंने भी आए थे माशाल्लाह, उनके भी हाथ से जो है इफ्तिताह अमल में आया। तो मैं हमारे कौंसलर साहब एरिया के शेख पेट का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी ओपनिंग सेरेमनी में इफ्तिताह में जो है शामिल हुए। मैं एक बात जो है आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, हम ये गेमिंग जोन में कैफेटेरिया डालने का यही मकसद है कि जो अभी आवाम जो बच्चे हैं, मैं ऑलमोस्ट देखता हूँ मेरे खानदान में भी अड़ोस पड़ोस में जिनके साथ भी मैं रहता हूँ और जिनका माहौल देखा हूँ मैं, जो भी बच्चे हैं छोटे हैं, जो 4 साल 8 साल 10 साल के बच्चे, इवन 2 साल के बच्चे को भी जो है उनके वालदा जो है अगर कोई काम कर रहे हैं कुछ, बट बच्चा जो है सता रहा तो जो है मोबाइल फ़ोन हाथ में थमा दे रहे हैं। तो बच्चे जो मोबाइल फ़ोन हाथ में थमाने से जो है बहुत अफेक्ट है, जो उसके रेडियंस होते हैं वो बहुत अफेक्ट करते हैं इंसान के ब्रेन को। वो बच्चा तो नहीं सी जा रहे हैं, उसको भी जो है उसके ब्रेन से अपने खुद के माँ बाप खेल रहे हैं, तो उस चीज़ को देख के मैं बहुत वो हुआ। और यंग जो है अपने बच्चे 15 साल 18 साल 20 साल के बच्चे जो है फोन के अंदर इतना मुश्किला हो गए हैं कि इंस्टाग्राम बोलकर है, पता है मुझे कुछ इंस्टाग्राम है व्हाट्सअप बोल के, तो इंस्टाग्राम में एक रील होती है आप लोग and stand facing you, kind of experience, personal and professional, really it is an honor, not only an honor, it is a precious privilege and prestigious honor for me. And now, these are the guests over here, distinguished and dignitaries, highness and excellencies from over here, and you are all learned people, they scholars, mentors, educators, scholars, research scholars, skill trainers, author trainers, most of you are learned people. So, why we have gathered here, come, we will take up the issue now that we are running one cafeteria over here, it is a restaurant, come, actually it is a games also. Other than the studies, the students need to engage in a meaningful place.